निर्णायक है ये मुकाबला, बराबरी पे है खड़ी श्रृंखला और उसका है ये डिसाइडर। फ्लोरिडा होगा मैदान एक और बार और दो एक और लगातार दिन में होंगे मुकाबले। कल हुआ था मुकाबला जहां पर भारत जीत का जश्न मनाया। फ्लोरिडा में एक और बार है, सेम मैदान है, क्या वापस से उतना कुछ ज़्यादा पिच में बदलाव देखने मिलेगा? नहीं आएगा। जो क्या बल्लेबाजी करें, अब गेंदबाजी बल्लेबाजी करिए, चेजिंग के लिए आसान होने चाहिए पिच। लेकिन बात की जाए तो मुझे भारतीय स्क्वाड में एक और बड़ा कोई चेंजेस नहीं नज़र आएगा। क्या वेस्ट इंडीज़ को चेंज करना चाहिए? क्या अगर आपके पास फिट हो जाते हैं, फिट होएंगे जेसन होल्डर, तो उनको लाना चाहिए? यही एक चेंज मैं देख पाऊँगा, नहीं तो और कोई मुझे चेंज नज़र आएगा नहीं। ये मुकाबले में भी और वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच का ये फिफ्थ T20I जो हो चुका है निर्णायक, बनेगा निर्णायक मुकाबला ये श्रृंखला का डिसाइडर, क्या भारत जीतेगा या वेस्ट इंडीज़ अपने घर पर अपना दबदबा करेगा। भारत के लिए एक लास्ट चांस है प्रिपरेशन का वर्ल्ड कप से पहले। 2024 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ और USA में खेला जाएगा, तो यहाँ पर मुकाबले मिलने के चांसेस होंगे, तो इसलिए तैयारी करनी है वर्ल्ड कप का ध्यान में रख के। कौन से प्लेयर को आप कहाँ खिलाना चाहते हैं आपको मालूम होना चाहिए। हार्दिक का कप्तानी कैसा लगता है, उस पर भी सुनित बहुत सवाल है। अगर आप चाहेंगे तो उस पर एक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी तक उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो उसका भी जरूर आएगा वीडियो, क्योंकि ये आपको बिलोंग करता है ये चैनल। अगर आप जो चाहेंगे वैसा ही यहाँ कंटेंट आपको मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं विद आर्यमन गोयनका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।